गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम जितेंद्र कुमार बारोलिया है। मैं लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दोसा में कार्यरत हूँ। आज हम CS 305 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विजुअल बेसिक डॉट नेट के बारे में बात करेंगे, जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे किया की थी। और आज हम बात करेंगे वीवी डॉट नेट, जो कि आपके कोर्स ऑफ कंटेंट के अंदर है। तो वीवी डॉट नेट के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बात करेंगे वो है वीवी डॉट नेट डेटा टाइप। डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं वीवी डॉट नेट के अंदर, जो कि बाकी लैंग्वेज से कैसे डिफर करते हैं। डेटा टाइप इन ए प्रोग्राम लैंग्वेज डिस्क्राइब दैट व्हाट टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल कैन होल्ड। जो वेरिएबल आप बनाते हैं वो किस टाइप का डेटा आपके होल्ड करेगा वो डेटा टाइप कहलाते हैं। वेन एवर वी डिक्लेयर ए वेरिएबल वी हैव टू टेल द कंपाइलर अबाउट व्हाट टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल कैन होल्ड। तो कंपाइलर को हमें बताना होता है कि कौन से टाइप का डेटा टाइप हम लोग यूज में ले रहे हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, आपको डिम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है बाकी लैंग्वेज से, यहाँ पे आपको डिम लगाना पड़ेगा आगे पहले, फिर वेरिएबल का नेम और डेटा टाइप। जैसे वेरिएबल नेम, द वेरिएबल नेम और भी डिक्लेयर होल्ड ऑफ द वैल्यू, जो वैल्यू हम नाम रखेंगे डेटा वेरिएबल का वो आपके वेरिएबल नेम होगा। डेटा टाइप, जिस टाइप का डेटा टाइप वो वेरिएबल रखेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिम काउंट एज इंटीजर, तो डिम हमने आगे पहले यहाँ प्रीफिक्स लगाया है, काउंट नाम का एक हमने वेरिएबल बनाया है जो कौन से टाइप का होगा, इंटीजर। वीवी डॉट नेट की खास बात यह है कि एक तो ये ऑलमोस्ट अपने जो इंग्लिश लैंग्वेज है उससे बिल्कुल मैच खाती है। हम लोग बिल्कुल वैसे के वैसे इसके अंदर इसको यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए ऐसा कैसा लिखते हैं, काउंट यहाँ पे वेरिएबल का नेम हो जाएगा, इंटीजर यहाँ पे आपका डेटा टाइप हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बूलियन होता है, बूलियन डेटा टाइप होता है। बूलियन वेरिएबल स्टोर 16-bit नंबर एंड इट कैन होल्ड ओनली ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे 16-bit का बूलियन टाइप का डेटा टाइप होता है और ये केवल ट्रू या फॉल्स वैल्यू को रखता है। वीवी डॉट नेट रन टाइम सिस्टम डॉट बूलियम नाम के जो आपके यहाँ पे नेम स्पेस होगा इसके अंदर ये स्टोर होगा। डिम चेक एज बूलियन, चेक को जैसे अपने बूलियम टाइप का बनाया है, चेक इक्वल्स टू फॉल्स, या तो ये फॉल्स होगा या ये ट्रू होगा। वीवी डॉट नेट डिफॉल्ट इंटीजर वैल्यू फॉल्स, तो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो हमेशा फॉल्स होगी। इसके बाद बात करें हम इंटीजर, इंटीजर वेरिएबल स्टोर साइंड 32-bit इंटीजर, तो यहाँ पे 32-bit का होता है, जबकि सी लैंग्वेज के हम देखें तो सी लैंग्वेज के अंदर इंटीजर 16-bit का ही होता है। यहाँ पे हमें याद रखना है 32-bit मीन्स 4 byte का होगा। इसकी रेंज यहाँ पे आपको दे रखी है, इसका सिस्टम डॉट इंट 32 यहाँ पे नेम स्पेस होगा। डिम काउंट एज इंटीजर, काउंट की वैल्यू जैसे हमने यहाँ पे शुरू में कितनी इनिशियलाइज कर दी, 100 कर दी, डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा यहाँ पे 0 होगी। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वेरिएबल आर स्टोर्ड एनी नंबर ऑफ अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल एंड स्पेशल कैरेक्टर, इट रेंज फ्रॉम 0 to 2 billion यूनिकोड कैरेक्टर। तो सिस्टम डॉट स्ट्रिंग यहाँ पे इसका नेम स्पेस होगा। डिम str एज स्ट्रिंग, ये इनिशियलाइजेशन होगा, स्ट्रिंग इक्वल्स टू स्ट्रिंग टेस्ट। वीवी डॉट नेट डिफॉल्ट इंटीजर वैल्यू नथिंग होगी इसके अंदर। इन विजुअल बेसिक डॉट नेट वी कैन कन्वर्ट ए डेटा टाइप इन टू 2 वे, इम्प्लिसिट कन्वर्जन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। जैसा कि डेटा टाइप का कन्वर्जन होता है, या तो हम इसको इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर सकते हैं और एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन क्या होता है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। आल्सो वी कैन कन्वर्ट ए टाइप वैल्यू ऑफ रेफरेंस एंड रेफरेंस वैल्यू टू टाइप वैल्यू, तो यहाँ पे अपन रेफरेंस टाइप को भी वैल्यू टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं और वैल्यू टाइप को रेफरेंस टाइप में। दीज आर कॉल्ड बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, तो जब भी हम टाइप वैल्यू को रेफरेंस वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये बॉक्सिंग कहलाएगी, और रेफरेंस वैल्यू को टाइप वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये अनबॉक्सिंग कहलाएगी। बॉक्सिंग रेफरेंस वैल्यू टाइप टू रेफरेंस टाइप एंड अनबॉक्सिंग। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका है एक्सेल, और बाकी जो डेटा टाइप्स होंगे जो हम लोग वीवी डॉट नेट में काम लेंगे वो बाकी नॉर्मल लैंग्वेजेस की तरह होंगे। इसके बाद बारे में बात करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर होता क्या है। एक्सेस स्पेसिफायर डिस्क्राइब एज द स्कोप ऑफ एक्सेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मेंबर। जब भी हम क्लास डिक्लेयर करते हैं तो क्लास डिक्लेयर करने के बाद में उस क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को बाहर हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं वो आपका एक्सेस स्पेसिफायर कहलाता है। वी कैन कंट्रोल द स्कोप ऑफ द मेंबर ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर। वी आर यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन। जब भी हम एप्लीकेशन की सिक्योरिटी की बात करें तो हम वहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर को काम में लेते हैं। विजुअल बेसिक डॉट नेट प्रोवाइड द 5 एक्सेस स्पेसिफायर। टोटल मिला के 5 प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे होते हैं, पहला पब्लिक, दूसरा प्राइवेट, तीसरा प्रोटेक्टेड, चौथा फ्रेंड और पांचवा प्रोटेक्टेड फ्रेंड। ये आपको स्पेशली याद रखने, जब हम C++ की बात करें तो वहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड होते हैं, जबकि यहाँ पे फ्रेंड और प्रोटेक्टेड फ्रेंड नाम से अलग से एक्सेस स्पेसिफायर और होते हैं। तो पब्लिक की बात करें, मैं पब्लिक इज द मोस्ट कॉमन एक्सेस स्पेसिफायर, इट कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर।
जब भी हम क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को कहीं पे भी एक्सेस करना चाहें तो वो हमें उसको पब्लिक करना पड़ेगा। हैट मीन्स देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन एंड एक्सेसिबिलिटी, मीन्स हम चाहते हैं कि इससे कोई भी इसका रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। द स्कोप ऑफ द एक्सेसिबिलिटी इन साइड क्लास आल्सो इन आउटसाइड द क्लास, तो इन साइड क्लास जो भी एक्सेस हम कर सकते हैं आउटसाइड क्लास को वैसे वैसे एक्सेस किया जा सकता है। प्राइवेट, तो प्राइवेट जैसे नाम से बताया गया कि इसको केवल क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है, क्लास के एक्सेस को बाहर नहीं कर सकते। द स्कोप ऑफ द एक्सेसिबिलिटी इज लिमिटेड ओनली इन साइड द क्लास इन विच दे आर डिक्लेयर, जिस क्लास के अंदर इसको डिक्लेयर किया जाता है हम केवल उस क्लास के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं। द प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास एंड इट हैज़ द लीस्ट परमिसिव एक्सेस लेवल। तो पब्लिक का हम जैसे नॉर्मल एग्जांपल की बात करें, जैसे गूगल है, गूगल के ऊपर हम लोग बात करें तो गूगल के ऊपर जो भी आपका डेटा होगा कोई भी एक्सेस करता है, तो जैसे गूगल को हम पब्लिकली कह सकते हैं। लेकिन जब मैं जीमेल की बात करूँ तो जीमेल के अंदर जिसके पास यूज़र आईडी होंगे, मींस जो उसका ऑथराइज होगा, जीमेल आईडी का ओनर होगा, वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो एक प्रकार से ये प्राइवेट का एग्जाम्पल है, मीन्स प्राइवेट को क्लास के बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसके बाद बात करें प्रोटेक्टेड की, द स्कोप ऑफ एक्सेसिबिलिटी इज लिमिटेड विद इन द क्लास एंड द क्लास डेराइव्ड, तो जिस एक तो जो क्लास जिस क्लास के अंदर हम यूज ले रहे हैं वो क्लास, और एक जिस जो क्लास उससे डेराइव हो रही है, मीन्स उसकी चाइल्ड क्लास ही केवल उस डेटा मेम्बर और मेम्बर फंक्शन को एक्सेस कर सकती है, तो ये प्रोटेक्टेड कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड की, द फ्रेंड एक्सेस एक्सपायर कैन एक्सेस विद इन द प्रोग्राम दैट कंटेन इट्स डिक्लेरेशन एंड आल्सो एक्सेस विद इन द सेम एक्सेस असेंबली लेवल। जब भी हम डॉट नेट की बात करें, वीवी डॉट नेट की, तो हम बात करते हैं असेंबलीज की। असेंबलीज क्या होता है एग्जैक्टली, आपका जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है आपके नेम स्पेसेस का, वो असेंबली कहलाता है। तो फ्रेंड से हम क्या कर सकते हैं कि पूरे प्रोग्राम के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जब दूसरे प्रोग्राम में अपन उसको एक्सेस करने की बात करें तो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि हम असेंबली को यहाँ पे डॉट dll फाइल से सेव करते हैं, तो dll इनसाइड dll फाइल हम इस असेंबली के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं फ्रेंड को, और बाकी उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसको फ्रेंड बनाने के लिए हमें आगे उसके कीवर्ड लगाना पड़ेगा, फ्रेंड कीवर्ड। इसके बाद में हम बात करें प्रोटेक्टेड फ्रेंड की, प्रोटेक्टेड फ्रेंड विद सेम एक्सेस लेवल ऑफ बोथ प्रोटेक्टेड एंड फ्रेंड, इट कैन एक्सेस एनीवेयर इन द सेम असेंबली एंड इन द सेम क्लास आल्सो क्लास इंडेड फ्रॉम द सेम क्लास। जब हम एक असेंबली की बात करें, मैं चाहता हूँ कि जब मैं दूसरी असेंबली क्रिएट करूँ तो दूसरी असेंबली के अंदर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो जब हम जिस जैसे मैंने क्लास ए है वो असेंबली ए के अंदर है, और मैं चाहता हूँ कि क्लास बी है जो क्लास असेंबली बी के अंदर है, तो अगर असेंबली बी उसको एक्सेस करना चाहे तो हमें पहले उसको इनहेरिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज लेते हैं प्रोटेक्टेड फ्रेंड। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमने देखे, जो एक्सेस स्पेसिफायर और डेटा टाइप, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें बेसिक नॉलेज के बारे में याद रखनी है। थैंक यू वेरी मच।